नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। छठ पूजा के दिन सादियाबाद थाना क्षेत्र के रामपुर जीवन गांव में सुभाष राम की हत्या गला काटकर कर दिया गया था। आज पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर दिया और इस खुलासे में आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक सुभाष राम का भाई और एक अन्य व्यक्ति रहा, जिसका मृतक सुभाष की पत्नी से नाजायज संबंध रहा। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2 नवंबर को रामपुर जीवन में एक शव बरामद हुआ था गन्ने के खेत में, जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे। उस शव की तत्काल पहचान गांव के ही सुभाष राम के रूप में कर ली गई थी और उसके भाई दिनेश राम की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। FIR में दिनेश ने गांव के प्रधान उसके लड़के को आरोपित किया था और बताया था कि कुछ दिन पूर्व प्रधान के लड़के ने मृतक को धमकी दी थी। जब इस बात की गहराई से जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि दिनेश राम का एक जमीनी विवाद गांव के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ था, जिसका पक्ष प्रधान द्वारा लिया जा रहा था। इस पर थोड़ा सा शक हुआ और केस को और अधिक विकसित करने के प्रयास के लिए पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में CO भुड़कड़ा और चादियाबाद ने मौके पर काम करना आरंभ किया। कुछ आरंभिक जानकारी इस प्रकार की मिली, जमीनी सूचना, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का एनालिसिस करने के बाद, कि घटना कहीं परिवार के आसपास या कुछ अवैध संबंधों के कारण प्रथम दृष्टया दिखाई दी। जो कॉल डिटेल की एनालिसिस की गई तो इसमें एक नया व्यक्ति चिन्हित हुआ जो गांव का ही रहने वाला है और गांव की सूचना के अनुसार उसका निकट संबंध मृतक की पत्नी के साथ पिछले 1 वर्षों से होने की जानकारी प्राप्त हुई। उस व्यक्ति से जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, मालूम पड़ा कि वो गांव में नहीं है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वो बम्बई चला गया घटना के बाद, लेकिन विषय किसी परिस्थितियों में वो गांव वापस आया और उसके बाद स्थानीय पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ पर उसने पूरी घटना का खुलासा किया और उसने बताया कि दिनेश राम ने रामजीवन से बात की और मिलकर उन्होंने ये योजना बनाई कि सुभाष राम की अगर हत्या कर दी जाए तो उसे एक ओर वो प्रधान और उसके लड़के को आरोपित कर सकेंगे और दूसरी ओर उसकी पत्नी के साथ जो अवैध संबंध है उसको भी निर्बाध रूप से उसका निर्वाह कर सकेंगे। योजनाबद्ध तरीके से सुभाष राम को बुलाया गया, शराब पिलाई गई और जब वो बिल्कुल निढाल हो गया तो गड़ासे से उस पर वार करके उसकी हत्या की गई और शव छिपाने का प्रयास किया गया। पूछताछ पर रामजीवन ने यह भी बताया कि उसने गड़ासा जो हत्या में प्रयुक्त हुआ था उसे गांव के एक ऐसे कुएं में फेंक दिया जिसके ऊपर घास झंखाड़ उगा हुआ है और लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। पुलिस ने बड़े परिश्रम करने के बाद उस कुएं से उस गड़ासे को बरामद किया है। इसका वीडियो बनाया गया है जिसको साक्ष्य रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ रामजीवन की यात्रा के संबंध में टिकट बरामद हुए हैं, बम्बई जिसके पास गया था उस व्यक्ति का भी बयान लिया जाएगा, क्योंकि उसे जब जानकारी हुई कि गांव में हत्या हो गई और उसी समय रामजीवन बम्बई पहुंचा तो दोनों चीज़ों को उसने कनेक्ट करके देखा और जब शक की निगाह से रामजीवन को देखा तो रामजीवन ने गांव वापस आना उचित समझा। ये जो उसका कंडक्ट है ये भी शक के घेरे में है। इसके अलावा दिनेश राम द्वारा घटना के दिन शाम से लेकर और बाद तक अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बराबर रामजीवन या गांव के अन्य व्यक्तियों का फ़ोन का इस्तेमाल किया गया जबकि उसका फ़ोन उसके पास मौजूद था। ये स्वयं में एक शक पैदा करता था और पूछताछ के दौरान ये बात भी स्पष्ट हुई है कि दिनेश राम ने ये काम योजनाबद्ध तरीके से किया। इस टीम को, जो टीम जिसने बहुत मेहनत करके ये अनावरण किया है, 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ।